Hi everyone, my name is Rahul Jaiswal and you are watching JR Tutorials YouTube channel. Friends, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको ऐसी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कहीं और दूसरे वीडियो में नहीं देखने मिलेगी। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हो, डिप्लोमा करते हो, तो इसका स्कोप क्या है हमारे इंडिया में। दूसरा हम लोग बात करेंगे, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा पास आउट करने के बाद जॉब सेक्टर में जाते हो तो ये सैलरी आपको कितनी मिल सकती है, उस सैलरी के बारे में बात करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप प्राइवेट जॉब्स में जाते हो तो आपके क्या पर्क्स हो सकते हैं, क्या आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो क्या सैलरी मिल सकती है, क्या वेरियस फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। उसके बाद मैं बात करूँगा दोस्तों कि अगर आप डिप्लोमा करने के बाद बीटेक या फिर बीई के लिए जाते हो तो आपको वो बीई या बीटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, उसके सैलरी आपको अगर जॉब मिलती है उसके बेस पे तो सैलरी कितनी मिल सकती है, तो ये सभी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज ऐसी वीडियो आपको कहीं देखने मिलेंगे जिसमें एक ही वीडियो में मैंने आपको टोटली ए टू जेड जितने भी इंपॉर्टेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है सब के सब ये वीडियो में मैंने कवर कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगा आप लोग को कि आपका एक एग्ज़ाम्पल से मैं कंसिडर करूँगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास एक केस स्टडी है उससे मैं आपको एक रिलेट करना चाहता हूँ। केस स्टडी ये है कि मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, वो 2016 में उसने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया था। स्ट्रेट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पास आउट करने के बाद विद इन वन मंथ उसको एक जॉब मिलती है और वो जॉब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में थी। ठीक है, तो वो उसको सैलरी वो टाइम पे कितनी मिल रही थी, लगभग आज से 4 साल पहले की मैं बात करूँ तो उसको सैलरी नियर अबाउट 8,000 के आसपास मिल रही थी। तो वो 8,000 सैलरी में ही उसने जॉब लिया एंड ही वर्क अराउंड 1 ईयर इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो वहाँ पे उसने 1 साल करने के बाद वो कंपनी से एक दूसरे जगह उसने अप्लाई कर रखा था, इंटरव्यू वगैरह दे रखा था, तो वहाँ से उसको एक ऑफ़र आया एंड वहाँ पे उसको सैलरी जो ऑफ़र की गई सेम कंपनी थी, सेम मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब थी। ठीक है, जो ऑफ़र मिली गई उसको लगभग 15,000 to 20,000 के बीच में थी एग्जैक्टली बात करूँगा तो। ठीक है, वहाँ पर उसने कुछ 1 ईयर काम किया, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 9 या 10 मंथ काम किया एंड उसके बाद वो किसी और दूसरे कंपनी में जंप किया। दोस्तों, मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर बात करूँ आज 2020 में, अगर मैं उसकी सैलरी की बात करूँ, आज वो काम कर रहा है एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसका नाम तो यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा लेकिन उसका एक लोकेशन में मेंशन करूँगा। ही इज़ वर्किंग इन वन ऑफ द टॉप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया जो कि मानेसर गुड़गांव में है। ठीक है, मानेसर गुरुग्राम आपको पता ही होगा, हरियाणा में जो बिलोंग करता है, वहाँ पर आज के डेट में वो काम कर रहा है एंड उसकी सैलरी आज के डेट में नियर अबाउट 65,000 to 70,000 पर मंथ है। तो दोस्तों, ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज उसने स्टार्ट की थी सिर्फ 8,000 रुपीज़ में और आज से कुछ 3.5-4 साल ही हुए उसको पास आउट होके एंड वो अभी 65,000 to 75,000 तक पहुँच चुका है। तो इससे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि कोई भी जॉब आपको जब मिलती है पास आउट होने के बाद उसको जॉब को लो, वो जॉब छोड़ो मत। ये तो पहली चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर वो 8,000 से भी शुरू कर रहे हो लेकिन 4 साल के बाद आप बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओगे, आज बहुत खुश है वो। ठीक है, 65,000 to 70,000 अर्न करके बहुत ज़्यादा खुश है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँगा कि अगर आपको डायरेक्टली जॉब चाहिए, ठीक है, अगर पास आउट हो जाते हो आप डायरेक्टली जॉब चाहिए और आप चाहते हो कि मुझे 4 साल का इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है 65,000 to 70,000 पहुँचने के लिए, तो इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। बस आप ये वीडियो लास्ट तक देखते जाओ बिकॉज ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ मैं आपको कवर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो दूसरा ऑप्शन की मैं जो बात कर रहा था यहाँ पे कि अगर आपको डायरेक्टली जॉब पर नहीं जाना है, 8,000 to 10,000 की नौकरी नहीं करनी है, तो यहाँ पर एक चीज़ है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि आप डिप्लोमा बेस पे भी गवर्नमेंट जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊंगा एसएससी जेई और आरआरबी जेई के बारे में। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिसको पता होगा ऑलरेडी एसएससी जेई और आरआरबी जेई क्या होता है। आप इसमें जा सकते हो, हर साल लगभग 1,000s of vacancy निकलती है जेई के बेस पे जो कि सिर्फ डिप्लोमा बेस कैंडिडेट्स को ही ऑफर करती है। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, पीएसयू में आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी पीएसयूज ऐसी कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसको बोलते हैं, ऐसी होती है जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स को ही ये अपॉइंट करते हैं क्योंकि उनको सैलरी थोड़ा कम देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू बीटेक स्टूडेंट। तो जैसे कि मैं बात करूँ, एनपीसीआईएल है, डीआरडीओ है, एएमडी है, बीएआरसी है एंड एक और चीज़ बात करूँ मैकेनिकली जो फेवरेट होता है ONGC, ठीक है, ऑयल एंड गैस नेचुरल कॉर्पोरेशन, ये एक ऐसी कंपनी है जो हर साल लगभग 500 to 1,000 डिप्लोमा कैंडिडेट्स को हायर करती है। ठीक है, एंड ये इतनी अच्छी कंपनी है कि एक बार उसके अंदर आप एंटर हो जाते हो तो आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाती है दोस्तों।
एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगा कि अगर आप ये सब चीज़ जॉब में जाते हो, जैसे मैंने अभी बात किया कि आप एसएससी में या फिर पीएसयू में जाते हो, तो आपकी एवरेज सैलरी नियर अबाउट स्टार्टिंग मंथ से ही, जो आप पहले महीने में जाओगे, लगभग 34,100 की आपको एक बेसिक पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँगा आप लोग के लिए, जो कि ये है कि अगर आपको डायरेक्टली जॉब भी नहीं करना है, डायरेक्टली आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी प्रिपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग बॉर्न टैलेंटेड नहीं होते, उनको पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं लगती है, तो वो गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी एक और चीज़ है, डिफेंस सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी आप में से होंगे कि जिनको डिफेंस में जाना होगा, एक सपना होगा आपका, ठीक है, आर्मी में जाना, नेवी में जाना या फिर एयरफोर्स पायलट बनना, तो उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हर साल निकलते हैं, डेली बेसिस पे रिक्रूटमेंट होता है उनका। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम जैसे कि मैं आपको बात करूँ, एफकेट हो गया, ठीक है, एयरफोर्स के लिए एफकेट होता है, सीडीएस होता है इंडियन आर्मी वगैरह के लिए, ठीक है, नेवी के लिए होता है, और ये इतने अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं कि अगर आप थोड़े भी मेहनत करोगे तो ये एग्ज़ाम निकल पाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल राउंड होता है, जो कि आप लोग कोशिश अगर मेहनत करते हो तो आपका ये फिजिकल राउंड निकल जाएगा, और इसमें सबसे अच्छी ये होती है कि आपको पहले तो प्राइड मिलेगा कि आप डिफेंस सेक्टर में काम करते हो, दूसरा इसकी सैलरी बहुत अट्रैक्टिव होती है, जो कि नियर अबाउट होती है 44,560 का एक बेसिक ग्रेड पे होता है। दोस्तों ये तो तीन चीज़ मैंने बताई, लेकिन इसके अलावा एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है, डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए खास तौर पे बात करूँ तो, जो कि है स्टेट सर्विस। क्या होता है स्टेट सर्विस? जैसे आपने नाम सुना होगा यूपीएससी का, ठीक है, तो यूपीएससी में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट्स को हायर करते हैं उनको, एंड वो एग्ज़ाम क्रैक करके आप जॉब पा सकते हो इन द स्टेट सर्विस। इसके अलावा जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर आप एक महाराष्ट्रियन स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र में रहते हो, तो आप एमपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है, महाराष्ट्र पब्लिक सेक्टर कमीशन, ठीक है, तो वो एक एग्ज़ाम दे सकते हो। ये हो गया हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बात दोस्तों। तो दोस्तों ये सब चीज़ जो मैंने बात की थी वो डिप्लोमा के रिलेटेड था, कि आप जैसे ही पास आउट होते तो आपको क्या करना है, हमारे इंडिया में स्कोप कितना है। तो स्कोप की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इंडिया में कुछ ज़्यादा स्कोप तो नहीं है डिप्लोमा का, बट ये है, आपको पता होगा जैसे एक कंपनी में अगर 100 लोग काम करते हैं, तो 100 लोग में से अगर 60 लोग वर्कर है, तो 40 लोग जो है वो डिप्लोमा होल्डर्स या फिर उनके ऊपर वाले लोग होते हैं, ठीक है, कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की मैं अगर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ जाओ कि आप लोग का इंपॉर्टेंस अभी भी है इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में आपका जो डिमांड है वो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो स्कोप की बात हो गई, सैलरी जो मैंने आपको अलग अलग चीज़ों के लिए बता दिया। तीसरा चीज़ यहाँ पे बात करूँगा दोस्तों, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स की भी मैंने बात कर ली है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मेंशन मैंने नहीं की है, जो कि ये है कि अगर आप, ठीक है, जो थर्ड क्राइटेरिया हमारा, अगर आप डिप्लोमा करने के बाद बीटेक करने में इंटरेस्टेड हो, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? पहली बात तो मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आप जब डिप्लोमा करते हो, डिप्लोमा होने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप जॉब नहीं चाहते हो, आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो आपको जॉब के लिए डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आप ट्राई करो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, और साथ ही साथ आप क्या करो, बीटेक के लिए भी एडमिशन ले लो अच्छे कॉलेज में। अच्छा कॉलेज क्या होता है कि ऐसे कॉलेज चुनो जिसमें प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा हो, ठीक है, जिनका एक रिकॉर्ड हो। जैसे गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं इंजीनियरिंग के, उसमें एक बात तो ये होती है कि जो पुराने पुराने फैकल्टीज होते हैं, तो उससे आपको नॉलेज बहुत सारा मिल जाएगा। दूसरी बात ये थी, उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है, तो आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस लगभग 90% से ज़्यादा ही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद बीटेक के लिए जाते हो अच्छे कॉलेज में, और साथ में आप क्या करते हो, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपेरेशन करते हो, तो आपके पास लगभग 3 साल, क्योंकि आप डिप्लोमा करने के बाद तो सेकेंड ईयर मिलता है आपको डायरेक्टली बीटेक में, तो आपके पास 3 साल होता है कोई भी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने का। और 3 साल दोस्तों मेरी मानो काफ़ी होते हैं 3 साल, अगर आप शिद्दत से मन लगा के, आप डेडिकेशन के साथ गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करोगे, तो आपका जो गवर्नमेंट जॉब का सपना है वो जरूर से पूरा होगा। और इन केस बाय चांस चलो 3 साल में नहीं होता है, तो आपका तो डिग्री वो टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा, एंड डिग्री कंप्लीट होने तक आपको इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा, इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप बाद में भी गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर नहीं क्रैक होता है, नहीं निकलता है, तो फिर आपको क्या करना है दोस्तों? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आपके पास अभी बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बचे हुए हैं। तो हम बात करते हैं, अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है आपकी, और आपका बीटेक भी लगभग कंप्लीट हो जाता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? बीटेक के फाइनल ईयर में आपको स्टार्ट कर देना है लगभग गेट का प्रिपेरेशन। यहाँ पे मैं एक चीज़ का करेक्शन करूँगा, आप फाइनल ईयर में हो, उसके पहले भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लगभग आप सेकंड थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर सकते हो आपको अगर गेट का प्रिपरेशन करना है। गेट क्या होता है? एक ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है, जो कि आपको एमटेक के लिए या फिर पीएसयूस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल जितने भी पीएसयूस कंपनी है, वो अगर बीटेक स्टूडेंट को रिक्रूट करती है, तो वो सिर्फ गेट के मार्क्स के स्कोर पे, ठीक है, रिक्रूट करती है। तो दोस्तों गेट की मैं यहाँ पे बात करूँगा कि अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो और गेट में लगभग आप 100 आउट ऑफ मोर देन 60 मार्क्स लेके आ जाते हो, तो आपको ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो आपको सीधा कॉल लेटर दे देगी और आपको बुलाएगी अपनी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि मैं बात करूँगा ONGC, राइट्स, BARC, DRDO, NPCIL, ISRO, और ISRO में एक खासियत ये है कि ISRO में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, तो आपको साइंटिस्ट ऑफिसर का एक पोस्ट मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा पोस्ट है दोस्तों। आपको डायरेक्टली ISRO में, VSSC में, ऐसे अलग अलग
जगह पे काम करने का मौका मिलेगा, स्पेस साइंटिस्ट आप बन सकते हो दोस्तों, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी जो सैलरी होती है दोस्तों काफ़ी अच्छी सैलरी होती है पीएसयू की। अगर मैं बात करूँ ऑन एन एवरेज एक ईयरली पैकेज की बात करूँ तो लगभग 15 से 20 लाख का पैकेज ये लोग देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द विच टाइप ऑफ कंपनी, क्योंकि कुछ कंपनी महारत्न होती है, कुछ मिनीरत्न होती है, कुछ नवरत्न होती है, तो डिपेंड करता है वो कौन सी कंपनी है उसके हिसाब से वो सैलरी ऑफर करते हैं। बट जहाँ तक मुझे पता है कि ONGC में मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी ग्रेड पे होती है, लगभग 20 लाख 22 लाख का पैकेज तक जाता है, और प्लस आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाती है, ठीक है, हर साल। दोस्तों ये तो हो गई PSU की बात, BTech के बाद आपको क्या करना है। एक और चीज़ यहाँ पे BTech के बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जो कि अगेन यहाँ पे मैं लूँगा टॉपिक UPSC का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका एक सपना हो जाता है कि मुझे UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा स्कोप है UPSC में। यहाँ पे मैं दो चीज़ बताऊंगा UPSC के बारे में, जो कि है, एक है IAS ऑफिसर, दूसरा है ESC, जो कि इंजीनियरिंग सर्विस हम लोग बोलते हैं, उसको पहले IES के नाम से जाना जाता था, अभी उसको ESC बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है ये ऐसी जॉब है जिनको अगर आप जॉब लग जाते हो, ये जॉब पाने के बाद आपको इतनी खुशी होगी, इतना प्राइड महसूस होगा, बिकॉज ऐसी जॉब बार बार हर किसी के नसीब में नहीं आती है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, तभी ये जाके जॉब आपको मिल पाएगी। बात करूँ UPSC के IAS और ESC की थोड़ी सी, और यहाँ पे मैं एक चीज़ करूँगा कि जैसे आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है ये, कि एक आप एक लगभग पॉलिटिकल लीडर्स के आसपास उठते बैठते हो, आपको एक ब्लू, जो हम लोग बोलते हैं ना वो नीली बत्ती वाली गाड़ी, ठीक है, वो भी आपको मिलती है, एंड बहुत सारे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, आपको घर रहने मिलता है, और इसकी सैलरी मोर देन 60,000-70,000 वैरी करता है, 1 लाख के आसपास, बहुत ही प्राइड वाला जॉब है। तो ये जॉब भी आप देख सकते हो और इसके लिए मेहनत कर सकते हो। दोस्तों ये तो मैंने दो इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात कर दी, लेकिन इसके अलावा मैं एक प्राइवेट जॉब्स के बारे में बताऊंगा, ये बिकॉज ये प्राइवेट जॉब्स के बारे में बहुत लोग नहीं बताते आपको, बहुत लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैं आपके सामने ये डिस्कस करूंगा। दोस्तों ये सब जॉब जितने भी मैंने बताए बहुत सही है, लेकिन आप कभी भी प्राइवेट जॉब को अंडर एस्टिमेट मत करो दोस्तों। प्राइवेट जॉब से भी बड़े अच्छे अच्छे लोग निकले हैं और अच्छे अच्छे पोजिशन पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर मैं प्राइवेट जॉब्स के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा कि अगर आप BTech कर लेते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें, तो आप क्या कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले तो आप अपना फील्ड पहचानो कि आपकी फील्ड क्या है, जैसे कि आप एक प्रोडक्शन इंजीनियर बनना चाहते हो, आपकी स्किल्स क्या है, एक प्रोडक्शन में आप जाना चाहते हो कि क्वालिटी में जाना चाहते हो, आप डिज़ाइन में जाना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो, ऐसे बहुत सारी यूनिट्स है, ठीक है, आपको वो देखना पड़ेगा। तो मैं कंपनियाँ की बात करूँ, जैसे बहुत सारी फेमस कंपनी है हमारे मैकेनिकल फील्ड की, जैसे मैं बात करूँ टाटा स्टील है, जिंदाल स्टील है, विराज है, ऐसी बहुत सारी आपको नंबर ऑफ कंपनीज मिल जाएगी जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर्स को रिक्रूट करती है ऑन द पोस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियर, क्वालिटी एंड कंट्रोल इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, डिज़ाइन इंजीनियर, एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों आपको पता नहीं है। तो इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो तो आपको कम देखने मिल जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी 15,000-20,000-25,000 से ये जो सैलरी है वो वैरी करती है। लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी कि अगर आप अच्छे से मन लगा के मेहनत करते हो और प्राइवेट जॉब भी करते हो ना, जैसे मैंने आपको एक केस स्टडी स्टार्टिंग में बताया कि मेरा फ्रेंड 4 साल में ही 8,000 से 70,000 तक पहुंच गया, तो दोस्तों ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि 15,000 से उठ के आप 1 लाख भी जा सकते हो विद इन 3-4 ईयर्स, ठीक है दोस्तों। बस आपको क्या करना है, इसको मेहनत करना है इसमें, और एक अपना एक वैल्यू सेट करना है, आपको एक स्किल सेट करना है कि आपको हर चीज़ में आप एक्सपर्ट होना है, तब आप जाके वो पोजिशन पर पहुँच जाओगे विद इन 4 ईयर्स। तो दोस्तों ये था आज का हमारा समरी जो मैंने देने की कोशिश की है रिगार्डिंग द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने A to Z कवर करने की कोशिश की है। अगर और भी कोई चीज़ इसमें छूट गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी मैं तुरंत दे दूंगा। मैं भी फिलहाल घर पर ही हूँ, क्वारंटाइन में हूँ, तो जवाब तो मैं बिल्कुल से दे ही सकता हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे आप न्यू हो और चैनल पे ऐसे ही आपको कंटेंट्स मिलते रहेंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चल जाए दोस्तों। और एक चीज़ ये है कि अगर आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन मैंने नई तरीके से कुछ बताने की कोशिश की आपको, ये प्रेजेंटेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए कि और भी मैं कौन से सब्जेक्ट्स पे मैं वीडियो बनाऊँ दोस्तों, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताया, तो दोस्तों कंप्यूटर साइंस है, IT डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, तो आप उसके भी कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा जरूर से। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।